हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर सॉल्यूशन। तो पहले तो बता दूं, आप लोग ने इतनी डिमांड की थी कि भाई सर इसका वीडियो लेके आओ, ये करो, मतलब ये सीरीज चलाते रहो। यार मानता हूँ ये सीरीज रेगुलर चलानी चाहिए, लेकिन यार दूसरे भी अपने पास बहुत कंटेंट होते हैं कि जैसे कि भाई साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, एसएस हो गया, तो वो सारी भी चीजें मुझे देखनी है। बिकॉज आपको जैसे पता है मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां जीएसईबी के स्टूडेंट्स को सारे कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। तो मेरा मेन पर्पज यही है कि पूरे कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। ओके, तो अब यहां आज जो अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ा मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो देखो जैसे कि आपको पता होगा ये तीन उस पर चलता है। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला तीसरा है भाई, मिड पॉइंट सेक्शन, और तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन आपको ये चीज समझा दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिलेबस से निकल गया, कुछ सम डिस्टेंस में से निकले, कुछ सम सेक्शन में से भी निकले। तो मतलब गिन चुन के ये चैप्टर में आपको बहुत ही कम चीज पढ़नी है, एकदम लेस कर दिया, बहुत ओछू आ चैप्टर में वाचवानू छे। तो हवे आजे एकदम इजीली अपने फटाफट आ चैप्टर ना पार्ट बी नू जे छे, मतलब जो पार्ट बी में आता है वो सारी चीज हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, तो भाई याद हो तो ठीक है, नहीं है तो चालू में पता चल जाएगा। और बाकी आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहने का मतलब जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बाकी नोट्स तो आपको मेरी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सम के साथ, बाकी तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। तो जुलाई 2018 के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2.3 एंड 6.7 इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम ए। मींस हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक है ए जिसके पॉइंट है 2.3, दूसरा है बी जिसके पॉइंट है 6.7, और रेशियो मतलब m1 m2 3:1। ठीक है, इसको मान लो मैं दे देता हूं x1, इसको दे देता हूं मैं y1, b है इसको दे देता हूं x2 और इसको दे देता हूं y2। ये है m1:m2 3:1। जैसे कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो पहले x के लिए करते हैं, आप एग्जाम में ना एक साइड x का करना, एक साइड y का करना, ताकि एग्जामिनर को एकदम चेकिंग इजी होता है। आपड़े थाली में परोसी ने आपवानो, हूं के जमवानो होय ना आपड़ो, तो थाली में परोसी ने आपवानो। ठीक छे, ओके। तो देखो x के लिए फॉर्मूला क्या है, तो x के लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या 1 पहले 2 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, एकदम सिंपल, वधारे टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो x इज इक्वल टू m1 कितना है 3, x2 कितना है 6, प्लस m2 कितना है, m2 है 1, x1 कितना है, x1 है 2, और भाई m1 plus m2 मतलब कितना 3 plus 1। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 3 18, 1 2 2, है ना, 1 2 2, 3 plus 1 कितना आ जाएगा 4। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 20 upon 4, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5।
देखो एक एक सिंप्लीफिकेशन के साथ मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में 2 मार्क्स खींचे में हो जाएंगे, फिर ऐसा ना हो खींचे से बाहर आ जाए। तो खींचे में मार्क्स लेने के लिए एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई करने का, लेकिन आप एक साइड एक्स करोगे दूसरी साइड वाई करोगे, मेरे जैसा नहीं करोगे। देखो मैं करता हूं उस पर मत जाओ, मैं बोल रहा हूं उस पर जाना, एक साइड एक्स एक साइड वाई, ताकि आपको एग्जामिनर को थाली में परोस के मिले, चेकिंग में मजा आ जाए। ठीक है चलो भाई चलो आगे। सेम वाई का फॉर्मूला है, एक कच मिनट, हाँ सेम वाई का फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, कर ल चला आगे। y इज इक्वल टू एम वन, एम वन भाई कितना है, एम वन है 3, y2 कितना है, y2 है 7 प्लस m2 कितना है, m2 कितना है हमारा, m2 है 1, y1 कितना है, y1 है 3। सारी वैल्यू लगा दी सर हम लोग ने, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे तो देखो नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं, इसको इरेज कर देंगे, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देखो y इज इक्वल टू प्रीवियस पेज से 7 3 21 प्लस क्या है 3 1 3 3 1 3 अपॉन 3 प्लस 1 4। सो y इज इक्वल टू 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 21 प्लस 4 आ जाएगा 24 अपॉन 4, 4 1 4 6, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6। मींस कहने का मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड, तो देयरफॉर The coordinate in which line segment AB divides, यहां पर coordinate लिख divides P, bracket में coordinate लिख देते हैं, X कितना आया भाई, X आया 5 और comma कितना आ गया 6। कितना सिंपल था, कितना जल्दी मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। देखो फॉर्मूला आएगा, स्टेप रखोगे, आंसर में वैल्यू रखोगे, मतलब वो फॉर्मूला वैल्यू रखोगे, आंसर का मार्क्स मिलेगा। बड़ा सिंपल बड़ा इजी है, जरूर कमेंट में बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। चलो आगे चलते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पर भी मैं आपके लिए कंटेंट जो मैं पढ़ाता हूं वो मैं आपको फ्री में कर देते रहता हूं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। प्रूव दैट P2, -1, -4, -4 एंड 3, 2 आर द कोलिनियर पॉइंट विच पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर टू राइट इन सिंबॉल। देखो ये काफी डिफरेंट सम है, कोलिनियर पॉइंट ऐसा सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ये सम तो सिलेबस में से नहीं निकला है, ऐसा कोई सम सिलेबस में से नहीं निकला है। तो देखो क्या है, प्रूव दैट पी, पी भाई है 2, -1, फिर क्या है क्यू, क्यू है 1, -4, फिर क्या है भैयो पी क्यू आर लिख देते हैं यहां पर, है ना, आर 3, 2 हर द कोलिनियर पॉइंट। यहां पर कुछ होगा टाइपिंग मिस्टेक, माणस मात्र भूलने पात्र, विच पॉइंट लाइज बिटवीन अदर टू राइट सिंबॉलिकली, ये सारा बताऊंगा। पहले है ना सबका डिस्टेंस निकाल लो, बाकी कुछ नहीं करने का, मतलब पी क्यू का निकाल लो, क्यू आर का निकाल लो और पी आर का निकाल लो। सबसे पहले पी क्यू का निकालते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अला साहेब फॉर्मूला खोटो छे है ना, सब लोग कमेंट में बोले यार साहेब खोटू बनायो, अला खोटू नथी, रॉन्ग नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस तरह लिखते हो, अंडर रूट लिखते हो, है ना। मैंने क्या किया, अंडर रूट नहीं डाला, मैंने उसी अंडर रूट को यहां पर स्क्वायर कर दिया। मैं है ना स्मार्ट वे में सोचता हूं कि कितना स्मार्टली मैं करूं, क्योंकि क्या होगा बार बार अंडर रूट डालते जाओगे कंफ्यूज करता जाएगा, एक आध स्टेप में अगर चूक गया तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। इट्स बेटर कि उसका अंडर रूट हटा के स्क्वायर में डाल दो, मेथड तो सही है ना, क्या गलत है इसमें,
गलती नहीं, आप टेक्सटबुक में देखना ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो पी क्यू स्क्वायर, अब इसको हम लोग लेते हैं एक्स वन, इसको लेते हैं वाई वन, इसको लेते हैं एक्स टू, इसको लेते हैं वाई टू, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स टू, एक्स टू है वन, माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन है टू, प्लस यहां पर है वाई टू, इसको लेते हैं हम लोग माइनस फोर, ये है माइनस वाई वन। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्लैश हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला का माइनस और ये ऑर्डिनेट का माइनस, ऑर्डिनेट मतलब वाई, एप्सिस और ऑर्डिनेट पढ़े हो, तो ये ऑर्डिनेट का माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका वन, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू, वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन, माइनस फोर प्लस वन, माइनस प्लस माइनस, फोर में से वन जाएगा कितना बचेगा माइनस थ्री। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन, क्योंकि देखो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा नाइन, थ्री थ्री सा कितना आ जाएगा नाइन। एक ही मिनट जरा पानी का सेवन हो जाए। तो नाइन प्लस वन, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन। सो ये आपको पड़ेगा पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट टेन। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, छोड़ दो इसको एज इट इज, ठीक है। अब निकालो क्यू आर का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये आ जाएगा आपका प्लस वाई टू माइनस वाई वन। देखो आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, बाकी मार्क्स ये वो टेंशन नहीं लेने का, वो आराम से आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली। तो देखो सिस्टम क्या बोलता है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जरा इरेज कर दू। तो देखो इरेज क्यों किया, देखो अब क्यू से लेकर आर तक जाना है, क्यू से लेकर आर तक जाना है, तो क्यू जो है वो बनेगा आपका एक्स वन वाई वन, और आर बनेगा आपका एक्स टू वाई टू। कितना सिंपल है, ठीक है, वैल्यू रखते हैं एक्स टू, एक्स टू कितना है थ्री, माइनस एक्स वन कितना है वन, देखो यहां पर स्क्वायर लगाना रह गया है तो स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 है भाई आपका y2 सॉरी टू, माइनस y1 कितना है, तो ये माइनस और ये माइनस क्लैश हो गया है, क्लैश थयो छे, क्लैश होना मतलब क्या, दोनों एक ही साथ आना, मतलब फॉर्मूला का माइनस और उसका दोनों का मिला के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1, y1 कितना आ जाएगा फोर होल स्क्वायर, थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर कितना आ जाएगा टू, सॉरी थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना आएगा टू, टू प्लस फोर कितना आएगा सिक्स, तो चलिए भाई सिक्स आ जाएगा। सो टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर, सिक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा थर्टी सिक्स, तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी, कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर्टी। सो जरा सा यहां पर एक छोटा सा कॉलम निकालता हूं ताकि मेरा फोटो भी यहां पर रहे और अपने को प्रॉब्लम ना हो। यहां पर देखो ये क्या है कि क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्यू आर इज इक्वल टू फोर इंटू टेन, है ना, फोर इंटू टेन, फोर का रूट क्या होता है, फोर का रूट होता है टू, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू रूट टेन। क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा टू रूट टेन, ये आ गया, टेंशन नहीं लेने का। एक बाकी है, एक एक स्टेप करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, पी आर करते हैं। तो देखो पी आर, पी क्या है जरा देख लेते हैं, मिस्टेक ना हो, टू और माइनस वन, टू और माइनस वन। आर क्या है, आई थिंक थ्री और टू है, यस थ्री और टू है। इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा पी आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन,
और प्लस होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे से है ना करते जाना। तो अभी यहां पर करते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पी आर स्क्वायर, देखो आपको ना बहुत उतावल आ जाती है, जल्दबाजी करते हो, वैल्यू भी रखते नहीं हो और डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे, जैसे डाइजेस्ट में किया रहता है, टेक्स्ट बुक में किया रहता है। देखो भाई हमें है ना मार्क्स निकालने हैं, सामने वाले के हाथ में से मार्क्स निकालने, मतलब लगना चाहिए दिल खुश कर देता उसका ऐसा करने का, मतलब स्टेप टू स्टेप बताने का किसको उतावल है, कौन कुत्ता तुम्हारे पीछे आ रहा है, समझ रहे हो, कुत्ता तुम्हारे पीछे नहीं है। तो देखो थ्री माइनस एक्स वन कितना है, टू। आप सोचोगे सर आप तो एक एक स्टेप करते हो, ये क्या है। देखो एक एक स्टेप करने के पीछे भी रीजन होता है, गलती नहीं होगी, मार्क्स पूरे मिलेंगे, टाइम तो भरपूर 3 घंटे मिलता है। हम सैंपल पेपर करेंगे, देखना मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 घंटे वाले सैंपल पेपर बनाओ एक एक स्टेप के साथ, तो कितना टाइम जाता है, ये तो मैं समझाऊंगा, इसलिए शायद ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो कम जाएगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप हो। यहाँ तो टू वे कर रहा हूं मैं, आपके साथ बात भी करते रहता हूं कभी कभी, ज्यादा ही बोलता हूं कभी। y2 2, और देखो फिर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा आप लोग का 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो पी आर इज इक्वल टू पी आर 9 प्लस 10, और आपका पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 10। तो देखो अपने पास तीनों आ गए, तीनों चीजें आ गई, पी आर भी आ गया, क्यू आर भी आ गया, और आपके पास पी क्यू भी आ गया। तो देखो जैसे कि आपका पी क्यू आया था रूट 10, फिर आपका पी आर आया था रूट 10, और आपका QR आया था 2√10, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास आई हुई थी। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो कि जब मैं ये दोनों का प्लस करता हूं तो QR बनता है, मींस QR इज इक्वल टू PQ प्लस PR। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√10 इज इक्वल टू √10 प्लस √10। अब देखो इसमें भी कितने जन को प्लस करने में भी प्रॉब्लम करते हो, अले भाई बहुत इजी छे, कई हार्ड नथी प्लस करवानो आपड़ो, वो इजी छे। देखो क्या करने का, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब वन है यहां पर कुछ नहीं, वन प्लस वन कर देने का सिर्फ। तो 2√10 इज इक्वल टू 2√10, तो दोनों साइड सेम आ गया, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये मैंने चेक किया कि कोलिनियर है या नहीं, शो किया कि हाँ भाई अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है दो पॉइंट का प्लस करने पर तो ये कोलिनियर है। तब कोलिनियर बनते कैसे उसको भी जरा डायग्रामेटिकली बता देते हैं। भाई ये पॉइंट हो गए जैसे कि हमारे पास, तो देखो Q से लेकर R तक पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 2√10। अगर बीच में यहां पर मैं P यहां लगा देता हूं तो यहां √10 और यहां पर भी क्या है √10, तो इसका मतलब बीच में कौन आया, बीच में आया P। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है राइट इन सिंबॉल, सिंबॉल के फॉर्म में बताया जाए, तो साहेब सिंबॉल ना फॉर्म में तो वो केवी रीते बतावानो, तो दस ये हो जाएगा देयरफॉर Q-P-R, ये हो गया आपका सिंबॉल। कोई भी कोलिनियर पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसके रिलेटेड एकाध सम है और शायद निकाल भी दिया हो, तो कमेंट बॉक्स भर के मत बोलना के भाई निकाल दिया है या आपके ऊपर है, मैंने तो सिर्फ बताना मेरा काम है, बिकॉज कोई कोई में रहने दिया भी है, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में इसको रहने भी दिया है, कभी निकाल भी दिया है, ठीक है। तो भाई ये अपना सम यहाँ पर कंप्लीट होता है, चलो नेक्स्ट सम पर चलते हैं, चलते चलते हैं। देखो A1, 7, B2, 4, C, K, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए इज राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो ये अलग ही सम है, टेक्स बुक में मिला नहीं होगा ज्यादा, लेकिन अपना दिमाग उस वक्त चलाना पड़ता है, कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड जिसको बोलने में आता है ऐसे सम्स आते हैं कि मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो लोग ने ऐसा बोला है, तो मैंने एक राइट एंगल बनाया,
जिसको नाम देते हैं ए 90 डिग्री है, क्यों? बिकॉज यहां पर बोला है ए इज राइट एंगल, ए क्या है, एक राइट एंगल है, बाकी तो आप बी कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ठोको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बी ये सी। अब भाई यहां पर ये 90 डिग्री बोला है, ओके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट है 1.7, उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट है k.5, बी का कोऑर्डिनेट है 2.4। आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर कैसे करेंगे ये, तो यहां पर तो बहुत ही दिक्कत भरा काम है। देखो ये दिक्कत वाला काम नहीं है, कोई भी काम दिक्कत वाला नहीं होता है, आपको सोचने आना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप भूलते कई को हो, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस भाई ऐसा बोलते हैं कि अगर 90 डिग्री वाली सामने वाली साइड है, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए हम लिखेंगे बी ए सी, है ना, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू 90। तो पाइथागोरस भाई ऐसा बोलते हैं कि ए बी स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप वन साइड स्क्वायर करो प्लस अदर साइड स्क्वायर करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था ये जो स्क्वायर स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर स्क्वायर होता है, ये रहा देखो, ये जो स्क्वायर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बस कहने का मतलब BC का डिस्टेंस निकालो, AB का डिस्टेंस निकालो, AC का डिस्टेंस निकालो और इस कंडीशन में उसको लगा दो। अब भाई आप वो भी कर सकते हो और मैं यहां पर डायरेक्ट करने वाला हूं, वो भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, सो देखो देयरफॉर, लाल कलर आ गया, देयरफॉर देखो BC मतलब x2 माइनस x1, तो ये x2 है, k2 माइनस k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ab मतलब 2 माइनस x2 ये है ना, ab 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 प्लस, बिकॉज बीच में प्लस है, प्लस ए सी के इतना है भाई, ए सी मतलब k-1 बराबर ना, k-1 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5-7, कितना हो जाएगा 5-7 होल स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया है। ये था हमारा बीसी के लिए, थोड़ा रेड कलर से बताता हूं, ये था हमारा बीसी के लिए, फिर ग्रीन कलर से बताता हूं, ये था मेरा एबी के लिए। चेक कर लेते हैं 2-1 और फिर 4-7, ठीक है, और ये जो है बी, ये जो लास्ट था वो एसी के लिए था, रेड ग्रीन और ब्लू करके आपको बताया। देखो आप कॉन्सेप्टुअली फोकस करो कि किस चीज पर आपको फोकस करना है, आप क्या सोचते हो डायरेक्ट करेंगे ऐसा करेंगे, कॉन्सेप्ट मेन है। आंसर का तो भाई जक मार के एक ही मार्क्स मिलेगा, ज्यादा कोई मार्क्स है नहीं आंसर का। k-2 अभी रहने देते हैं, k-2 होल स्क्वायर, 5-4 कितना आ जाएगा 1, 2-1 कितना हो जाएगा 1, 4-7 कितना हो जाएगा 3-3, ठीक है, साइन के साथ लिखना सब। k-1 अभी रहने देते हैं क्योंकि वो सारी चीजें का मगजमारी करने का, प्लस 5-7 कितना कर देते हैं 5-7 2-2। अब देखो k माइनस को ओपन करता हूं, तो k माइनस को कैसे ओपन करोगे, तो a-b होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा a² - 2ab + b² ये आइडेंटिटी से ओपन करोगे, तो देखो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, मतलब ये कितना आ जाएगा 4k और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, स्टेप टू स्टेप करो, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब देखो आपको पहले भी बता चुका हूं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 3 3 9 होता है, प्लस के माइनस वन, तो अगेन के स्क्वायर माइनस 2k + 1 प्लस, इसको भी ओपन किया ये आइडेंटिटी से, नहीं तो बोलोगे साहब बाग्गा मराई दीदा,
भाई k माइनस वन को भी a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, हो गया सब। चलिए और आगे चलते हैं, तो देखो अब मैं जरा k स्क्वायर तो है नहीं, 4k तो एज इट इज है भाई, ये देखो 4 प्लस 1 जरा रेड कलर से करेंगे, लाल लाल अच्छा दिखता है, 4 प्लस 1 तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, फिर यहां पर आते हैं अगेन प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4, ये सारी चीजें है जरा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो k स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस 2k को बाद में लिखते हैं, माइनस 2k, अब देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर देखो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी कैंसल एंसल का काम जरा चलवाते हैं, तो देखो कैंसलिंग क्या होगा, प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कट, ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस, ये आएगा आपका माइनस 2k, है ना, माइनस 2k, और ये आपका 5 और प्लस 15, तो ये कितना आएगा माइनस 10k, कितना आएगा माइनस 10k, एक मिनट, माइनस 10k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, मेरा फोटो नहीं तो नहीं आएगा यहाँ, हाँ तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा देयरफॉर माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस आ जाएगा, अच्छा k गलती से लिख दिया भाई, मैं सोचूं यहां भी किया आ गया, यहाँ k नहीं आएगा बच्चा, यहाँ k नहीं आएगा, तो माइनस का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 वन जा 2 फाइव जा, सो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा माइनस 5, मीन्स आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। आया समझ में, आपको जो k फाइंड करना था, k का आंसर कितना आ जाएगा माइनस 5, इज इट क्लियर। ध्यान से एक बार देख लेना, कहीं भी साइन का अगर लोचा लगे तो अपने हिसाब से देख लेना, मेरे ख्याल से तो ये आंसर करेक्ट है। तो बड़ा सिंपल सम था, अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं, नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, चलिए तो अब शुरू करते हैं फोर्थ सम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड एबी इन द रेशियो ऑफ 3:2 फ्रॉम ए वेयर ए इज -1.7 एंड बी इज 4.2। देखो क्या दिया है, हम लोग को दिया है ए, ए है -1.7, फिर बी क्या है, बी है 4.2, और रेशियो क्या है m1/m2। अब मेरे ख्याल से ऐसा सेम टू सेम सम अभी मैं करा चुका हूं, है ना, ये जो पहला वाला है ये बड़ा आराम से समझाया था, ये सेम फॉर्मूला है, सेम चीज है, इसी का यूज करो यार, कर लोगे, मेरे को पक्का यकीन है, मेरे स्टूडेंट जो क्रिएटिव वाले हैं, मतलब जो मेरी चैनल के साथ चलते हैं, मेरी फैमिली वाले, पक्का ये कर लेंगे, बराबर, क्रिएटिव फैमिली के जितने भी है वो सारे भाई ये चीज कर लेंगे, मैं जानता हूं। आप नए भी हो, अभी ज्वाइन कर रहे हो, यार आप एक्सपर्ट हो, वांदा नहीं, आप सारे बच्चों ये वाला ट्राई कर लेना, बड़ा इजी है। मैं यहां ऐसा हो तो फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, y इज इक्वल टू क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। देखो आपके स्कूल में अगर शायद इधर उधर भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब m2 y1 पहले लिखते हो, m1 y2 पहले लिखते हो, कुछ भी चलता है, सीक्वेंस मतलब ये क्या बोलते हैं प्लस है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, देने का, बराबर, अपने को आंसर लाके देने का टेंशन। चलो यहां पर आगे आ जाते हैं, वो सम तो आप लोग कर लेना, और ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में यार जरूर बता देना, तो बेचारे जो बच्चे नहीं कर पा रहे उसको आंसर तो पता चल जाएगा, ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में ही बता देना आंसर। चलो शुरू कर दे, लिखना फोर्थ का आंसर, फोर्थ आंसर, बेचारे जो मेरे जैसे वीक स्टूडेंट है उसको पता चल जाए,
कि कैसे करना है, ठीक है। चलो जुलाई 2015 में आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए 11.2 इज 13 यूनिट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। साहब आओ सम तो बैठो काढ़ी नाखेलो छे। यस आई एग्री विथ यू, निकाल दिया है, लेकिन मैंने सोचा चलो ना थोड़ा नॉलेज दे दिया जाए। निकाल दिया, मैं जानता हूं एक्सरसाइज समथिंग 7.1 का 8th या 9th सम ये बैठता है, ऐसा ही सम है कुछ निकाला हुआ है, लेकिन कुछ मैंने हद तक देखा ना एग्जाम्पल में ऐसा टाइप का है, जहां तक मेरा नॉलेज बोल रहा है। नहीं है तो नॉलेज ले लो यार, काइको टेंशन ले रहे हो। तो देखो, डिस्टेंस ऑन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए इज 13 यूनिट, मींस आप लोग को यहां ध्यान दो, पी ए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 13 यूनिट्स, ठीक है। और आपको बोला है जो पी पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब एक्स एक्सिस पर लाई करता है इसका मतलब आपका जो वाई एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमको क्या है कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स कॉमा जीरो, तो ए आपके पास है, ए कितना है 11.12। देखो कोई हार्ड नहीं है, बड़ा इजी है, क्या करने का, जो दिया है ना उसका फॉर्मूला यूज कर लेने का। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अभी देखो इसमें भी कितने जन बोलेंगे साहेब हमने तो एक्स वन माइनस एक्स टू सिखवाड़ू छे, अला भाई गम्मे ते सिखवाड़ू है बनने चाल से, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर इसलिए ही रखा हुआ है कि अगर आपका गलती से आंसर नेगेटिव में आ जाए स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। लेकिन मैं एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि थोड़ा मेरे को ये इजी लगता है उल्टे से सीधा जाना, ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू, साहब एक्स टू अग्यार, देखो इस बार मैं डायरेक्ट डिनोटेशन के बिना 11 माइनस x, ये भी यहां पर भी इसका भी इरेजमेंट दे दो, इरेज कर दो इसको भी, सॉरी ये नहीं, ये बढ़ेगा, ये इरेजर इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पर क्या लिख दूंगा 13, क्योंकि हमारे पास है ना, प्लस y2, y2 कितलू छे, y2 छे 12 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 169, और ये कितना आ जाएगा 11 माइनस x होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, डायरेक्ट कर दिया चलेगा ना, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 169, इसकी एक इजी ट्रिक बताने वाला हूं, इसको ओपन मत करना, डायरेक्ट आंसर लाके दूंगा आपको मैं। आप बोलोगे साहब कैम, तो भाई वेट एंड वॉच, तो देखो प्लस एंड माइनस, ये आ जाएगा माइनस होल स्क्वायर। तो अब यहां पर इसको भाई हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 169 करेंगे तो ये आएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट 25 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स। अब आएगा डाउट, देखो ये है ना प्लस और माइनस में होगा, अला साहेब आ तो तुम्हें पहला बताऊ नहीं बद्दा सामने अच के मां गौज गाई ली, तो जो उसमें ऐसा हैगा ने कि 11 माइनस एक्स जो है ना उसका अगर आप रूट निकालो तो प्लस और माइनस 5 आता है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपने माइनस इंटू माइनस 5 किया है तब 25 आया है, तब 25 आया है कि जब प्लस इंटू प्लस 25 किया है तब 25 आया है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपने किसका स्क्वायर करके 25 लाया था। तो दूसरा डाउट ये आता है, दूसरा डाउट ये आएगा कि साहेब तुम्हारी बात चलो मानी पण लिए, पर तमे अहीं जारे डिस्टेंस काढवानो आयु त्यारे तो तमे प्लस एंड माइनस नहीं लीधुं, राइट, आपका ये डाउट आएगा ना कि यहां प्लस एंड माइनस क्यों लिया, बिकॉज डिस्टेंस ये जो पी आर है ना, पी आर एक डिस्टेंस है, और पी आर कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप ऐसा नहीं बोलते मैं -10 किलोमीटर ट्रैवल करूं साहब, आज तो मैं कितना ट्रैवल करूं -200 किलोमीटर, ऐसा नहीं बोलोगे, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं। तो सर वहां पर डालने का क्या मतलब हुआ, तो वहां पर डालने का ये मतलब होता है, वहां पर डालने का ये मतलब होता है कि ये जो प्लस और माइनस है ना बच्चा, ये कोऑर्डिनेट है, एक्चुअली एप्सिसा बोलते हैं मैथ्स में इसको, एक्स अगर एप्सिसा, तो एप्सिसा जो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे और नेगेटिव भी होता है,
तो ये दोनों साइड होने की वजह से, एप्सिसा पॉजिटिव भी होने की वजह से और नेगेटिव होने की वजह से ये लेना पड़ा मेरे को, समझ में आ गई। इसलिए यहां पर प्लस और माइनस क्यों लिया, ये एप्सिसा का लोचा है यहां पर, इसलिए क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस और माइनस 5, ठीक है। अब आपको क्या करने का, अब आपको 11 माइनस एक्स एक बार प्लस के साथ और 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस 5 के साथ, मींस वो डिस्टेंस नेगेटिव भी रह सकता, मतलब ये डिस्टेंस इस साइड नेगेटिव साइड भी ट्रैवल किया होगा और या तो पॉजिटिव साइड भी ट्रैवल किया होगा, हमको नहीं पता कि एक कोऑर्डिनेट सोलो में पी का डिस्टेंस नेगेटिव साइड पर गिना है या पॉजिटिव साइड पर गिना है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस का माइनस इज इक्वल टू एक्स, यहां पर एक सॉल्व कर देता हूं, ये प्लस था यहां गया तो माइनस हो गया, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 6, है ना। और ये सेम 11, ये माइनस का प्लस कर देता हूं एक्स, सो 11 प्लस 15 कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 16। कहने का मतलब देयरफॉर द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फॉर पी, या तो भाई वो रहेगा एक्स सॉरी 6,0 और या तो वो रहेगा 16,0। अब भाई ये जो सम्स है वो निकल भी गया है और है भी ना के बराबर है, मुझे लगा कराने दो, बिकॉज ऐसे सम अगर आ गए तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं, नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस बी और दूसरा क्या है बी माइनस ए, और बी माइनस ए बी ए प्लस बी, साहब आ तो एबीसीडी भणावा ना लागे आ लोग, ना ना कई क्लू ही नहीं। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी और ए प्लस बी, चलो इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर x1, चलो आप लोग x2 से चलते हो तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस प्लस ब्रैकेट थोड़ा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी आपका है जो फाइंड कर रहे, अभी तो कुछ है नहीं ना, फॉर्म में आ गया कि साहब आंसर मिल गया लागे x2, तो x2 कितना है a माइनस बी माइनस x1। अब देखो x1 के बाहर माइनस है और ये दोनों है, तो ये दोनों की साइन चेंज कर देने की, आप यहां पर गलती मत करना, मतलब इसका प्लस है तो माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी है ये माइनस बी हो जाएगा। साहेब आओ केम, तो भाई केम नो आंसर आप ही दो, तुमने आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास माइनस आता है तो साइन चेंज हो, जैसे माइनस माइनस का क्लैश हो रहा था प्लस हो रहा था और प्लस माइनस आ रहा था तो माइनस, तो जैसे कि माइनस ए तो किया तो व्हाट अबाउट बी, तो बी की भी साइन चेंज करने की, तो प्लस है तो क्या कर देने का माइनस। जैसे आपको याद होगा ब्रैकेट के बाहर अगर एक स्टेप बढ़ेगा, इससे अच्छा बेटर है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है ऐसा कर दो, वो स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि आपका आंसर जल्दी आए। फिर प्लस y2, y2 कितना है भाई, y2 है सर a प्लस बी और ये हो जाएगा, देखो ये प्लस बी है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ए है तो ये हो जाएगा प्लस ए होल स्क्वायर, आ z नहीं आ स्क्वायर है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस टू बी होल स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस बी कैंसल, ए प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस टू का स्क्वायर आएगा साहेब 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों के साथ करने का 2 का स्क्वायर कितना आएगा साहेब 4, ए का स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब रूट लगाते हैं तो देखो मैं इसको सीधी तरह से लिख दूंगा, कहने का मतलब 4 और इसको लिख देता हूं मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसा ही बोलता है और बीच में प्लस है, ठीक है। 4 का रूट निकालो तो 4 का रूट कितना आएगा, 4 का रूट कितना आएगा 4 का रूट, सो ए बी इज इक्वल टू 4 का रूट आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना सिंपल, कितना इजी आंसर, बिकॉज फोर सर आप प्लस और देखो प्लस और माइनस हो ना तो उसका प्रॉपर रूट नहीं निकालने का, सिर्फ मल्टीप्लाई हो तभी ही निकालने का। आया समझ में? नेक्स्ट लास्ट सम पर आते हैं, फाइंड द एरिया इन ट्राइंगल ए बी सी, बी एंगल बी इज इक्वल टू 90, ए 2.3, बी 4.5, 3 ए 2, देन फाइंड ए। भाई फिर से वैसा ही सम मैंने रखा है जो 2019 में वापस आया था, एक राइट एंगल, ये आप खुद ट्राई करोगे बिकॉज मेरी फैमिली वाले क्रिएटिव वाले आराम से कर लेंगे, तो इसको आप खुद ट्राई करोगे। एक सिंपल एग्जैक्ट सम बताया था पहले भी आपको ऐसा का ऐसा, देखो यहां पर ये क्या आएगा, ये आएगा बी, कमांड गलत हो गई 2 मिनट, बिकॉज बी हमको 90 बोला है, ये बोला है ए और ये बोला है सी। बी कितना है, बी है 4.5, सी कितना है, सी है 1.2 और ए कितना है, ए है 2.3, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस गिनने में आती है, मतलब ये हाइपोटेनियस है ए बी। ओके तो भाई अब आप लोग को जैसे मैंने वो बताया था थ्योरम लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या करना बी सी स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू रखना और सॉल्व करना। कौन से नंबर का सम था ये हमारे पास जो अभी कहां गया, ये नहीं ये वाला जो के क्वेश्चन नंबर 3 हमने निकाला था। तो मेरे ख्याल से आज का जो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो था वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ये वीडियो को शेयर कर देना बिकॉज जेसीबी के ऐसे बेस्ट कंटेंट्स आपके लिए मैं रहते रहता हूं, जेसीबी के स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।